हरदा जिले के रहवासी बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। रहवासियों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आदिवासी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे जाम कर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम वोट नहीं देंगे। हरदा में भीम आर्मी, जयस व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर धरना देने बैठे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सरकार निकम्मी है, इसे बदलना है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास कांवड़ यात्रा के लिए बजट है, पर लोगों की समस्या के निपटारण के लिए बजट नहीं है। बारिश के दिनों में जब कोई बीमार होता है तो सड़क ना होने की वजह से समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। स्कूलों की हालत तो ऐसी है कि बच्चे टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। रोड नहीं है तो हम वोट भी नहीं देंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी सिंह परते ने कहा कि 20 दिनों से 4-5 गांव में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहां नहीं पहुंचा है। इससे हमें प्रतीत होता है कि उनकी मंशा नहीं है हमारी मांग मानने की। आज यहाँ SC ST संगठन एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है, जो शिक्षा और रोड को लेकर के है, क्योंकि विगत 20 दिनों से हमारे संगठन के लोग 4-5 गांवों में धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं, जिसको आज 20 से 25 दिन हो गए, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। इससे हमें प्रतीत होता है कि इनकी कोई मंशा नहीं है कि रोड सड़क बने, गांव का विकास हो। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सुभाष पाटिल ने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर जो भी समस्याएं वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। इसमें क्या था, जो आज धरना हुआ, तीन रोडों को लेकर हुआ। एक तो है सारेखेड़ी से काकरदा, तो ये रोड जो है मंडी नदी में स्वीकृत हो चुका है, इसके टेंडर ओपन हो चुके हैं और ये जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी इसकी। उसके पश्चात हम अक्टूबर के पास में इसको शुरू कर देंगे। दूसरी रोड है चिचोड़ से हंडिया। चिचोड़ से हंडिया जो है 28 किलोमीटर का रोड लेंथ है। ये हमारे 2021-22 के बजट में स्वीकृत हो चुका है और अभी इसकी क्या प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगा, जैसे शासन स्तर से जैसे ये स्वीकृति जारी होगी उसके पास। अभी हमने इसके DPR भेज चुके हैं, अभी शासन स्तर से स्वीकृति हो चुकी है, इसकी प्रक्रिया अभी शासन स्तर से थोड़ा बहुत लग सकता है। इसी तरह तीसरी रोड है मसनगांव से हंडिया। मसनगांव हंडिया जो है 2022-23 में ये भी बजट में सम्मिलित हो गया है, इसकी भी अभी EFC होके प्रशासनिक स्वीकृति जारी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।